To keep your brain fit and active, logically solve one puzzle every day. मैं एमएम पटेल इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आपको दिया गया है एक चित्र। आप देख रहे हैं बहुत सारे ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स बनाए गए हैं इक्वल स्टिक्स का उपयोग करके। अब हमें करना क्या है, दो टास्क है। इस फिगर से किसी भी चार स्टिक्स को रिमूव करना है, चार स्टिक्स को हटा देना है, और इस तरह से हटाना है कि पांच इक्वल ट्रायंगल्स बच जाएं। दूसरे पार्ट में पांच स्टिक्स को इस तरह से हटाना है कि पांच इक्वल ट्रायंगल बचे। दोनों पार्ट में बचने चाहिए पांच इक्वल ट्रायंगल्स। पहले पार्ट में चार स्टिक्स रिमूव करनी है और दूसरे पार्ट में पांच स्टिक्स रिमूव करनी है। इस तरह की पजल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें गिनती करनी चाहिए चित्र में कितने स्टिक्स उपयोग में लाई गई। मैंने किस तरह से गिनती की, 2 + 4 + 6 + 1 + 2 + 3। ये गिनती करने की सिस्टम आपने डेवलप करनी चाहिए। मैंने किस तरह से गिनती की मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैंने लिखा है 2 + 4 + 6 पहला सेट, दूसरा सेट 1 + 2 + 3, 12 + 6 = 18। इस फिगर में 18 स्टिक्स का उपयोग हुआ है। हमें करना क्या है, पहला चार स्टिक हटानी है, 14 स्टिक बचेगी। 14 स्टिक से हमें पांच इक्वल स्क्वायर्स बनाने हैं। एक ट्रायंगल को बनाने के लिए यदि इंडिपेंडेंट ट्रायंगल बनाना है तो स्टिक्स लगेगी 3। पांच ट्रायंगल के लिए स्टिक्स लगनी चाहिए 15, हमारे पास है 14। इसका अर्थ है दो ट्रायंगल ऐसे होंगे जिसकी एक साइड कॉमन होगी। दूसरे पार्ट में हमारे पास स्टिक है 13। कितने ट्रायंगल्स बनाने हैं, पांच इक्वल ट्रायंगल्स। नेचुरल है तीन ट्रायंगल की एक एक साइड कॉमन होगी। यहां पर ऐसी पजल सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ साथ विजुअल एबिलिटी, विजुअल एप्टीट्यूड भी चाहिए। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। मुझे पहले पार्ट के लिए एक सॉल्यूशन मिला और दूसरे पार्ट के लिए दो सॉल्यूशन मिले। देखते हैं पहला सॉल्यूशन। ये पहला सॉल्यूशन है, तीन इंडिपेंडेंट ट्रायंगल्स हैं और दो ट्रायंगल्स ऐसे हैं जिसमें एक साइड कॉमन है। आप इस सॉल्यूशन को दूसरे तरीके से भी हासिल कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। दूसरे पार्ट के लिए मुझे दो सॉल्यूशन मिले, पहला और दूसरा। दोनों सॉल्यूशन में कुछ तो सिमिलैरिटी है। जैसा मैं कह चुका हूं, यहां पर विजुअल एप्टीट्यूड की जरूरत पड़ेगी और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक्सपर्टीज उतनी ज्यादा बढ़ेगी। हम कुछ और ऐसी पजल्स देखेंगे, बीच बीच में मैं ऐसी पजल दिखाता रहूंगा। एक ही तरह की पजल बार बार सॉल्व करने से होगा क्या, हमारी लर्निंग को रीइंफोर्समेंट मिलेगा, हमारी लर्निंग होगी मजबूत। 501 पजल की सीरीज में इसी तरह अलग अलग तरह के एप्टीट्यूड डेवलप करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली पजल में जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।